हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टेक विद रवि चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, विंडोज 10 अधिकतर लोग यूज करते हैं। लगभग 99% लोग विंडोज 10 यूज करते हैं। और अगर लाइनक्स की बात करें तो इसे काफी कम लोग यूज करते हैं। इसी तरीके से मैकओएस को भी काफी कम लोग यूज करते हैं। तो मैं एक नई अपडेट आपके लिए लेके आ रहा हूँ, जैसे कि आप विंडोज 10 या विंडोज से बोर हो चुके हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो लाइनक्स डेस्कटॉप एक नई अपडेट लेके आ रहा है जो कि काफी जल्दी आने वाली है, जो कि डीफिन सिस्टम पर काम करने वाली है और ये काफी कलरफुल और काफी ब्यूटीफुल रहने वाली है विंडोज 10 और मैकओएस से। तो अगर आप बात करें लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इसमें आपको जो एलिमेंट्री ओएस है उसको डीफिन बेस्ड पर दिया जा रहा है, जिसका नाम डेबिन दिया गया। तो डेबिन कंट्रोल सिस्टम इसमें दिया जाएगा, तो डेबिन ऑपरेटिंग सिस्टम इसको नाम दिया जा सकता है, जो कि लुक और फील में काफ़ी शानदार होने वाला है विंडोज 10 के मुकाबले में। तो लाइनक्स की जो डेस्कटॉप अपडेट है वो काफ़ी शानदार होने वाली है, और मैकओएस और विंडोज के किसी भी वर्जन को मिलाकर इस अपडेट को काफ़ी शानदार बनाया जा रहा है। तो ये काफ़ी सेंसेबल और काफ़ी ब्यूटीफुल होने वाली है। तो इसके बारे में पहले से ही बता दिया गया कि इंस्टॉलेशन प्रोसेस में इसको एनिमेशन वेलकम वीडियो इसमें क्लीज कर दिया गया, और जो काफ़ी शानदार होने वाला है, जो कि मैकओएस और विंडोज 10 की अपेक्षा एंडलेस स्क्रीन और सेटअप टेक्स्ट और काफ़ी शानदार इसमें डॉक ऑप्शन दिया जा रहा है, और इसमें जो कंट्रोल सिस्टम है वो काफ़ी शानदार दिया जा रहा है। तो कंट्रोल सिस्टम में जो विंडोज़ में आप जाते हैं तो उसमें आपको काफ़ी प्रॉब्लम आती है कोई भी चीज़ सर्च करने में। कोई भी आपको सिस्टम में जाना है या साउंड में जाना है तो आपको सर्च करने में थोड़ी दिक्कत होती है। डिफिन कंट्रोल सिस्टम इसमें जो दिया गया है विंडोज 10 के कंट्रोल सिस्टम के मुकाबले काफ़ी शानदार है, क्योंकि इसमें आपको राइट में डेस्कटॉप में जाकर आप डिस्प्ले पर भी चेंजेस कर सकते हैं, पावर मैनेजमेंट में भी जा सकते हैं, और कोई नई विंडो आप ओपन करना चाहते हैं तो उसमें भी जा सकते हैं, और सिस्टम में कोई फाइल सर्च करना है तो वो भी आप विंडोज़ के राइट साइड की स्क्रीन में जाकर सर्च कर सकते हैं। तो ये डिफिन कंट्रोल सिस्टम काफ़ी पॉपुलर और यूजेबल होने वाला है। इसमें आप अकाउंट मैनेजमेंट में जाके या पावर मैनेजमेंट में जाके जो भी आप चेंजेस करना चाहें वो कर सकते हैं, और डिस्प्ले की सेटिंग के रेजुलेशन को भी आप आसानी से बदल सकते हैं। और ये कंट्रोल सिस्टम में आपको नोटिफिकेशन भी दिखेंगे, जिस तरीके से आप एंड्रॉयड सिस्टम में देख सकते हैं वैसे ही नोटिफिकेशन लगभग इसमें दिए जा रहे हैं, जो कि फेसबुक व्हाट्सएप सभी नोटिफिकेशन आप इसमें देख सकते हैं। और अगर आप बात करें इसके अदर फंक्शन की, तो इसमें आपको फैशन मोड और एफिशिएंट मोड भी दिया जा रहा है, जो कि डिफरेंट डेस्कटॉप एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड करने वाला है। फैशन मोड काफ़ी मोस्टली ईजी होने वाला है कंपेयर टू मैकओएस के, मतलब मैकओएस से आपको जो फैशन मोड इसमें जो दिया जा रहा है वो काफ़ी ईजिली होने वाला है। एलिमेंट्री ओएस डेस्कटॉप यूजर इसको काफ़ी ज़्यादा यूज कर सकते हैं, इसके अलावा जेनरोम यूजर्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये डॉक काफ़ी शानदार होने वाला है। सिस्टम ट्रे में जो आइकॉन दिया जा रहा है उसमें आपको वॉल्यूम कंट्रोल, नेटवर्क कनेक्शन सभी आपको इसमें मिलने वाले हैं। तो ये काफ़ी शानदार फंक्शन होने वाला है। इसके अलावा आपको एक और फंक्शन दिया जा रहा है जो कि विंडोज 10 में दिया जा रहा है, एंड्रॉयड 10 में आप इसे देख सकें कि एंड्रॉयड 10 में भी आपको डार्क मोड सिस्टम दिया जा रहा है। तो यही आपको इसमें दिया जाता है, सिलेक्टिव डार्क मोड आप ऑप्शन यूज कर सकते हैं अपने विंडोज एक्सप्लोरर में या ओपन विंडो मेनूज में। तो काफ़ी शानदार ये ओएस होने वाली है। तो ये ओएस में आपको और क्या शानदार लगा मुझे आप बताइए। मुझे तो इसमें आपको डिफिन कंट्रोल सिस्टम जो दिया जा रहा है वो काफ़ी शानदार है, और इसके अलावा इसमें एक और चीज़ जो दी जा रही है वो डिफिन सिस्टम मॉनिटर भी दिया जा रहा है, जो काफ़ी शानदार है, जिसमें आपको सीपीयू का यूज मिलने वाला है और आपकी रैम कितनी यूज हो रही है सभी आप देख सकते हैं, जो कि विंडोज 10 में आपको कहीं भी नहीं दिखता है। तो काफ़ी शानदार ये अपडेट होने वाली है। आपको ये अपडेट कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।